Dear students Students, of fifth class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to learn say yes or no. आज हम yes or no पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी English textbook बुक के पेज नंबर इलेवन पर दिया गया है students, this दिस इज एन अमेजिंग एक्टिविटी और वी कैन से वंडरफुल गेम इसको जो है आप एक वंडरफुल गेम भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स से यस और नो मीन्स इसका मतलब होता है कि वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन यस और नो यानी जब भी हमें सवाल पूछे जाए तो हम उनके जवाब हाँ ही देंगे नाउ लेट्स सी और लेट्स हैव द क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंसेस इन ईच बॉक्स आप यहां पर ये बॉक्सेस देख रहे हैं इन बॉक्सेस में इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं ठीक है यानी ऐसे जुमले जो मुकम्मल नहीं हैं वो जुमले यहां पर दिए गए नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू कंप्लीट देम हमें उन्हें क्या करना है उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बाय फिलिंग द वर्ड्स हमें डिफरेंट वर्ड्स फिल करने हैं भरने हैं और फिर उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है एंड मेक देम मीनिंगफुल क्वेश्चंस और उन्हें मीनिंगफुल क्वेश्चंस में यानी सवाल में तब्दील कर देना है लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स दैट एम आई ग्रीन स्टूडेंट ये हमें पहले से ही करके दिया गया है ठीक है क्या मैं हरा क्या मेरा रंग हरा है तो सुनने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ठीक है अगर यही सवाल आपको कोई पैरेट यानी कोई तोता पूछता है क्या मैं हरा हूं तो ऑब्वियसली आप वहां पर ये कहेंगे कि यस हाँ, तुम हरे हो क्योंकि तुम पैरट हो ओके तो हमारा आंसर जो है यहां पर कैसा आएगा यस या फिर अगर वो बोलेगा कि एम आई ब्लैक क्या मैं काला हूं तो आप बोलेंगे नो no. आप काले नहीं हो आप तो हरे हो तो इस तरीके से आंसर जो है वो यस और नो में ही आने वाले हैं तो ये नीचे दिए हुए जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे हमने इनको कंप्लीट करके मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर दिया है जरूरी नहीं है कि आप इन ही वर्ड्स को फॉलो करें आप डिफरेंट वर्ड्स यहां पर फिल करके अलग क्वेश्चन भी डेवलप कर सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू हमने यहां पर बनाया है कि आर वी हैप्पी क्या हम खुश हैं आर यू स्ट्रोंग क्या तुम ताकतवर हो स्ट्रॉन्ग हो इज शी ब्यूटिफुल क्या वो खूबसूरत है इज ही काइंड क्या वो रहमदिल है इज इट कोल्ड क्या वो या ये ठंडा है आर दे वेल्दी क्या वो अमीर है तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस और नो में आएंगे जैसे कि आर वी हैप्पी अगर हम खुश हैं तो हम कहेंगे हाँ और अगर हम खुश नहीं हैं तो यकीन है हम कहेंगे ना उस तरीके से आर यू स्ट्रॉन्ग क्या आप ताकतवर हैं तो जो ताकतवर होगा वो कहेगा हाँ और अगर नहीं है तो ना इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हाँ या ना में ही आने वाले हैं नाउ लेट्स और यहाँ पर बॉक्स नंबर टू में पहला क्वेश्चन है। व्हील्स क्या मुझे पहिए लग गए हैं क्या मेरे पहिए यानी व्हील्स हैं स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बड़ा अजीब है लेकिन यही क्वेश्चन अगर कोई गाड़ी कोई पहियों वाली गाड़ी अगर आपसे पूछे कि क्या मुझे पहिए लगे हुए हैं तो यकीनन आप ये कहेंगे कि हाँ आपको पहिए लगे हुए हैं यानी आपको व्हील्स लगे हुए हैं हाँ या ना में आंसर आएगा तो सेकेंड क्वेश्चन हमने बनाया है कि हाँ वी गॉट रिजल्ट क्या हमें रिजल्ट नतीजे मिल चुके हैं हाँ यू गॉट परमिशन क्या तुम्हें इजाजत मिल चुकी है अगर मिल चुकी है तो हा यस और नहीं मिली है तो नो हैज शी गॉट बुक्स क्या उसे किताबें मिल चुकी हैं हैज ही गॉट मोटरसाइकिल क्या उसे मोटरसाइकिल मिल चुकी है मिल गई है हैज इट गॉट फूड क्या उसे खाना मिल चुका है या दिया जा चुका है अगर खाना मिल चुका है तो हाँ और नहीं मिल चुका है तो ना हैव दे गॉट आंसर्स क्या उन्हें जवाबात मिल गए हैं या मिल चुके हैं अगर मिल गए हैं तो हाँ और नहीं मिले हैं तो ना यानी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपको हाँ या ना में ही मिलने वाले हैं इसलिए कहा गया है कि से यस और नो आपको सिर्फ यस और नो ही कहना है दूसरा कोई आंसर नहीं देना है नाउ वी हैव बॉक्स नंबर थ्री और बॉक्स हियर एंड वी हैव द क्वेश्चन नंबर वन जो कि आपको पहले से ही बनाकर दिया गया है क्वेश्चन फिर से अजीब है थोड़ा स्ट्रेंच टाइप का क्वेश्चन है कि डू आई ईट माइस क्या मैं चूहे खाता हूँ खाती हूँ तो आपको भी लगेगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स अगर यही क्वेश्चन आपसे कोई कैट यानी कोई बिल्ली पूछ ले तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे हाँ तुम चूहे खाती हो ठीक है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू हमने बनाया है कि डू वी प्ले फुटबॉल क्या हम फुटबॉल खेलते हैं अगर हम खेलते हैं तो यस yes, और नहीं खेलते हैं तो नो no. डू यू राइट स्टोरीज़ क्या तुम स्टोरी लिखते हो डज शी रन फास्ट क्या वो तेज़ दौड़ती है डज ही जम्प हाई क्या वो ऊंची छलांग लगाता है डज इट बाइट क्या ये काटता है डू स्टडी क्या वो स्टडी करते हैं मुतला करते हैं अगर वो स्टडी करते हैं तो हाँ और नहीं करते हैं तो ना no. स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपने इन तीनों भी बॉक्सेस को और इनमें जो बनाए गए क्वेश्चन से समझ लिया है स्टूडेंट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट रीड अलाउड द वर्ड्स इन ईच सेट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स दिए हुए हैं उन सेट्स में डिफरेंट वर्ड्स भी हैं तो हमें हर एक सेट में से वर्ड्स को लाउडली पढ़ना है ठीक है यानी जोर से बुलंद आवाज से पढ़ना है तो जो सेट्स हैं वो है बर्ड्स एनिमल्स व्हीकल्स एंड एन टॉयज तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं बर्ड्स के सेट से वर्ड्स पढ़ने वाला हूं मैं उसके मीनिंग भी आपको बोलूंगा और उससे रिलेवेंट पिक्चर जो है वो आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे पहला है पैरट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पैरट पैरट मीनस तोता उसके बाद में है क्रो क्रोव यानी कौवा उसके बाद है स्पैरो स्पैरो इस चिड़िया इसको हम जो है वो गौरैया वगैरह भी कहते हैं आउल उल्लू डक बतख क्रेन यानी बगला वो लंबी टांगों वाले बगले जो आते हैं ठीक है <laughs> लंबी टांगों वाला बगला क्रेन उसके बाद में है एनिमल्स एनिमल से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे स्क्वायरिल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर स्क्वायरिल इट मीन्स गिलहरी माउस चूहा एलिफेंट हाथी लॉयन बबर शेर कैट बिल्ली डॉग कुत्ता ठीक है उसके बाद का जो सेट है वो है व्हीकल्स का यानी गाड़ियों का आप इसमें देख सकते हैं बस ठीक है बी एस बस उसके बाद में है मोटर कार मोटर कार उसी तरीके से है ऑटो रिक्शा आपने ऑटो रिक्शा वगैरह देखा होगा ठीक है सड़कों पर अक्सर चलते हुए ऑटो रिक्शा मोटर बाइक एरोप्लेन बाइसिकल यानी कि साइकिल ठीक है उसके बाद में है टॉयज अब टॉयज में क्या क्या है बॉल बॉल यानी गेंद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उसके बाद में है बलून ठीक है बलून के मीनिंग तो आपको पता ही है टॉप यानी भावरा उसके बाद में है डॉल डॉल यानी गुड़िया उसी तरीके से है काइट यानी के पतंग उसके बाद में है ट्राई साइकिल यानी तीन पहियों वाली बच्चों की साइकिल स्टूडेंट्स नाउ वी हैव एन इंटरेस्टिंग गेम इससे पहले आपने जो क्वेश्चंस देखें उसके बाद में जो वर्ड्स के सेट्स देखे उन तमाम की मदद से हमें ये गेम खेलना है तो इस पे करना क्या है कि इसमें हमें पांच स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है जिसमें से एक ग्रुप लीडर बनाना है और वो ग्रुप लीडर भी खुद इस एक्टिविटी में इनरोल रहेगा ठीक है तो ग्रुप लीडर क्या करेगा कि हमने जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखे यानी वर्ड्स के जो सेट्स देखे जैसे एनिमल्स बर्ड्स व्हीकल्स उसमें से वो कोई भी एक सेट में से कोई भी एक वर्ड जो है वो चूज कर लेगा और उसे अपने जहन में ही रखेगा किसी को बताएगा नहीं अब दूसरे जो बच्चे हैं उसके ग्रुप के जो बच्चे हैं वो उससे क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो वो सिर्फ यस और नो में ही उसका आंसर देगा डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस उसमें नहीं चलेंगे जैसे कि क्या मैं पैरोट हूँ एम आई अ पैरोट तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो नॉट अलाउड ये ऐसे क्वेश्चन नहीं चलेंगे आपको क्वेश्चन ऐसे करने स्टूडेंट्स तो इस, इस गेम को कैसे खेलेंगे देखते हैं, ठीक है? तो समझ कि पांच बच्चों के ग्रुप में से एक बच्चे ने ग्रुप लीडर से क्वेश्चन पूछा कि कैन बी फ्लाई क्या हम उड़ सकते हैं तो ग्रुप लीडर कहेगा नो क्योंकि उसके जहन में जो वर्ड है जो भी उसने सोच रखा है जो परिंदे के बारे में एक जानवर के बारे में किसी चीज के बारे में तो वो फ्लाई नहीं करता है यानी वो उड़ता नहीं है उड़ती नहीं है कैन बी फ्लाई तो ग्रुप लीडर कहेगा नो उसके बाद में हैव आई गॉट लॉन्ग लेग्स क्या मेरे लंबे लंबे पैर हैं तो ग्रुप लीडर कहेगा नो इज शी ग्रीन क्या उसका रंग हरा है ग्रुप लीडर कहेगा नो फोर्थ बच्चा जो पूछेगा शी से तो आंसर आएगा ग्रुप लीडर तो पांचवा बच्चा कहेगा कि आई एम अ डक इसका मतलब मैं डक हूं तो आंसर देगा ग्रुप लीडर राइट यू आर राइट भाई तुमने जो है बिल्कुल सही आंसर खोज निकाला यही वो वर्ड है जो उस सेट ऑफ वर्ड्स में से ग्रुप लीडर ने चूज किया था यानी बर्ड्स के सेट में से उसने डक वर्ड को चूज किया था ठीक है उसके बाद देखते हैं कि इसी गेम को हम दोबारा खेलते हैं कि जैसे ग्रुप लीडर ने जो है हमारे कोई एक वर्ड वो जो है एनिमल्स के सेट में से चुन लिया है ठीक है अब जो दूसरे बच्चे हैं वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि इज इट अ पैट क्या वो पालतू है तो ग्रुप लीडर कहेगा नो आर यू ईटिंग द ग्रास क्या तुम घास खा रहे हो यानी वो जो भी जानवर है क्या वो घास खाता है तो ग्रुप लीडर कहेगा नो डू यू हंट अदर एनिमल्स क्या तुम दूसरे जानवरों का शिकार करते हो यानी वो जो जो भी जानवर होगा क्या वो दूसरे जानवरों को मारता है उनका शिकार करता है तो ग्रुप लीडर कहेगा यस हैव यू गोड अ टेल क्या तुम्हारी दुम है यानी क्या उस जानवर की दुम है तो ग्रुप लीडर कहेगा यस डज इट रॉर क्या वो दहाड़ता है तो ग्रुप लीडर कहेगा यस अब कौन दहाड़ता है ऑब्वियसली लॉयन दहाड़ता है तो एक बच्चा ये कहेगा कि आई एम अ लॉयन इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक लॉयन हूं तो ग्रुप लीडर कहेगा राइट right. यानी ग्रुप लीडर ने उस सेट में से लॉयन इस वर्ड को चूज किया था ठीक है इस तरीके से देखते हैं कि पहला बच्चा पूछ रहा है कि डू यू ईट फूड क्या तुम गजा खाते हो खाना खाते हो नो इज शी अलाइव क्या वो जिंदा है यानी उसमें जान है आंसर आया नो हैव यू गॉट व्हील्स क्या तुम्हारे पहिए हैं क्या तुम में व्हील्स लगे हुए हैं तो आंसर आया यस डज इट कैरी मोर पैसेंजर्स क्या वो ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को मुसाफिरों को ले जा सकती है तो आंसर आएगा यस yes. तो बच्चा कहेगा कि आई एम अ बस इसका मतलब यह है कि मैं एक बस हूं यानी बस जो है वो ज्यादा मुसाफिरों को कैरी करती है तो ग्रुप लेटर कहेगा यू आर राइट यानी ग्रुप लीडर ने बस इस वर्ड को सिलेक्ट किया था तो स्टूडेंट्स इस, इस तरीके से आप जो है इन गेम्स को डिफरेंट वर्ड्स के साथ में खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ भी खेल सकते हैं ये आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगा इसके अलावा हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस बनाए हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कम्प्लीट करके तो आप जो है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करके यानी दूसरे वर्ड्स को यूज़ करके जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डेवलप करने हैं ये आपका होमवर्क है उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ